बिहार में कल से 10th पास स्टूडेंट इंटर में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। आइए जानते हैं कल से विद्यार्थी किस तरह से, कैसे और कहाँ एप्लीकेशन करेंगे। तो हमारे साथ शिक्षाविद बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछते हैं कि ये OFSS क्या है सर? देखिए, पहले तो धन्यवाद कि एक जागृति का आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, एक सोशल सर्विस इतना बड़ा आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों का इतना बड़ा सेंटर है और इस जागृति के माध्यम से बिहार के लाखों विद्यार्थियों को आप लोग उनके एडमिशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक तरह से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका प्रयास बहुत ही असाधारण है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। OFSS अगर आप देखें तो एक सॉफ्टवेयर है, एक तरह से एप्लीकेशन है जिसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और यह OFSS बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा डेवलप किया गया है और समिति इस कार्य को ऑनलाइन एडमिशन के लिए इस एप्लीकेशन को यूज करती है। ये एप्लीकेशन उपलब्ध होगा आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक वेबसाइट है www.ofssbihar.in। कल से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इंटरमीडिएट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और कल 10 बजे से यानी 8 जुलाई को 10 बजे से ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म शुरू हो जाएगा, भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी OFSS वेबसाइट पर। और ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, इसके माध्यम से आप आईकॉम IA और ISC के साथ साथ एग्रीकल्चर स्ट्रीम में भी बिहार के विभिन्न कॉलेजों में स्कूलों में आप एडमिशन ले सकते हैं। और किस स्कूल में, कॉलेज में, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में कितना सीट है ये पूरा का पूरा वेबसाइट पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। कॉलेज हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो पूरा पूरा आपको मिलेगा कि साइंस में कितना सीट है, आर्ट्स में, कॉमर्स में, आप सीटों का भी एक संख्या देख लें एडमिशन करने में। और जब आप देख लें, लास्ट ईयर का भी कट ऑफ मार्क्स दिया हुआ है कि कितने कट ऑफ पर एडमिशन हुआ है, तो खुशखबरी है 10th पास करने वालों की। चाहे आप बिहार बोर्ड से 10th पास किए हों या बिहार बोर्ड के अलावा किसी भी अन्य केंद्रीय या राज्य बोर्ड से आप एडमिशन लिए हों, आप 10th पास किए हों 2020 में या 2020 के पूर्व के भी वर्षों में अगर पास किए हों, आप चाहते हैं 2020 में इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष में एडमिशन लेना BSEB से संबद्ध स्कूल में, कॉलेज में, तो कल से आपके लिए मौका है, आप कल से एडमिशन ले सकते हैं। 8 जुलाई से शुरू होकर यह प्रक्रिया ऑनलाइन एडमिशन की चलेगी 17 जुलाई तक। एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर और ईमेल का क्या महत्व है सर? देखिए, चूंकि हर विद्यार्थी को अपना मोबाइल नंबर देना है और साथ में उनको एक अपना वर्किंग ईमेल आईडी भी देना है जो काम करे, क्योंकि मोबाइल नंबर पर आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एक आपको वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन जा रहा है, मैसेज जा रहा है। इसके अलावा आपको किस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है, वहां एडमिशन लेंगे, तो पूरा का पूरा संपूर्ण जो एडमिशन साइकिल है उसके बारे में आपको एडमिशन मोबाइल पर मिल रहा है, ईमेल पर भी आपको सूचना मिल रही है। और एक ईमेल आईडी ध्यान रखना है हर विद्यार्थियों को जो इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं, कि एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल से एक अप्लाई हो सकता है। ये अब जैसे आपके घर में मान लो कि आप लोग दो भाई बहन हो और आप चाहते हो कि एक मोबाइल से दोनों का एडमिशन हो जाएगा एक ईमेल आईडी से, ये संभव नहीं है। आपको दो मोबाइल नंबर चाहिए और दो ईमेल आईडी चाहिए अगर दो व्यक्ति अप्लाई करना चाहते हैं तो, ये बात है। सर, जैसा कि हम लोग को मालूम है 15 लाख के आसपास स्टूडेंट है BSEB, CBSE, ICSE बोर्ड इत्यादि के, वो लोग 15 लाख का जनसंख्या, 15 लाख का विद्यार्थी कहाँ जाके एडमिशन करे? सबके पास तो एंड्रॉयड मोबाइल है नहीं, सब जगह पर केंद्र है नहीं, आप लोग का कोई फैसिलिटेशन सेंटर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी कहाँ जाके एडमिशन करे, कहाँ कहाँ जाके करे? हाँ, सही, आपने अच्छा प्रश्न किया है, बड़ा सामयिक प्रश्न है। देखिए, यह युग तो डिजिटल युग है, आपने देखा कि कोविड में किस तरह से पूरा सारा डिजिटल मोड में काम हो रहा है और एक अनुमान है कि लोगों के पास काफी डिजिटल एंड्रॉयड मोबाइल फोन हैं, तो ये नहीं है कि आपके पास नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा या आपका एडमिशन बाधित हो जाएगा। आप अपने घर में अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, टैब है
या आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, अपने घर में ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं ओएफएसएस के वेबसाइट पर जाकर और उस लिंक पर क्लिक करके। अगर आपके पास एंड्रॉयड नहीं है, टैब नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं है, परेशान ना होइए। पूरे बिहार के सारे 38 जिलों में सहज का ई विलेज केंद्र स्थापित है। कहाँ स्थापित है आप जानना चाहेंगे, आप ओएफएसएस के वेबसाइट पर जाइए। 4089 सहज के सेंटर हैं, वहां पर आप जाकर आपका एडमिशन अत्यंत ही सहज ढंग से हो सकता है। वो लोग आपको पूरी एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया करवाएंगे, आपसे मैनुअल फॉर्म भरवाएंगे, फॉर्म 5 भरवाएंगे अगर आप बिहार बोर्ड से पास हैं, फॉर्म 6 भरवाएंगे अगर आप बिहार बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड से पास हैं। आप फॉर्म भरकर उनको देंगे और आपके बिहाफ में जो सहज के जो एग्जीक्यूटिव वहां बैठे होंगे, जो बिहार के 4089 केंद्र ऐसे सहज के हैं जिसकी लिस्ट हम बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर देखी जा सकती है, वहां पर जाकर आप लोग करिए। सहज का सेंटर आपके विसिनिटी में खोज लीजिए कि आपके नजदीक में कहां पर है, वेबसाइट पर चेक कर लीजिए एड्रेस, वहां पर आप जाइए कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर है जिसको शॉर्ट में कहा जाता है DRCC। आप DRCC हर जिला में है, बिहार के 3800 जिला में है, वहां पर हर DRCC में 5-6 एक तरह से काउंटर उपलब्ध करवाए गए हैं, उन काउंटर पर भी जाइए, वहां पर 2 फॉर्म मिलेगा। अगर आप DRCC में जा रहे हैं, ध्यान रखिए, तो वहां पर 7 और 8 फॉर्म नंबर है, 7 फॉर्म उनको भरना है जो बिहार बोर्ड से 10th पास हैं, 8 फॉर्म उनको भरना है जो बिहार बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड से 10th पास हैं। तो सहज आपको मौका दे रहा है, आपको DRCC मौका दे रहा है। अगर आपके घर में आप मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड नहीं है, लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप साइबर कैफे में भी जा सकते हैं जहां पर इंटरनेट वगैरह की सुविधाएं होती हैं, आप वहां से भी भर सकते हैं। तो कुल मिलाकर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह डिजिटल युग है। अगर आपके घर में नहीं तो घर के बगल में सुविधाएं हर जगह है, आप निश्चिंत होकर जैसे आपको अनुकूल लगे आराम से आवेदन आप ऑनलाइन दे सकते हैं। अगर विद्यार्थियों को कोई परेशानी हो एप्लीकेशन करने में तो उन ऐसी स्थिति में वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी या टोल फ्री नंबर का व्यवस्था है क्या सरकार की तरफ से? देखिए, वेबसाइट पर पूरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मैंने वेबसाइट को देखा है, बिहार बोर्ड का वेबसाइट, उसमें पूरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा मैं एक सोशल सर्विस के नाते NKTIAS एक यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल में आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, आप इसको यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप देख लीजिए किस तरह से फॉर्म भरना है। आप अपने मोबाइल पर भर सकते हैं, अपने घर के कंप्यूटर पर भर सकते हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, और ऑनलाइन पेमेंट भी अंत में आप कर सकते हैं। NKTIAS ये यूट्यूब चैनल है और OFSS की संपूर्ण प्रक्रियाओं की जानकारी देता है। इसके अलावा कोई टेक्निकल अगर इशू है तो यूट्यूब के जो कमेंट्स हैं उसमें अगर आप प्रश्न करते हैं तो उस पर भी मैं आपको जवाब दे सकता हूं, आपको आंसर मिलेगा। इसके अलावा जो OFSS का वेबसाइट है गवर्नमेंट का, उसमें टेलीफोन नंबर आपको दिया हुआ है, आप उस टेलीफोन नंबर को देख लीजिए, उस टेलीफोन पर आप कॉल कर सकते हैं। ये लोग कॉल सेंटर भी सेटअप किया है, वहां से भी आपको उत्तर मिल सकता है आपके जो भी क्वेरी होंगे। धन्यवाद सर। सर थे निशिकांत तिवारी सर, जो JNU से पास आउट हैं और UPSC के 2-2 बार एग्जाम को मीट किए हैं, वाइवा तक पहुँचे हैं, जानकारी आपको दे रहे थे। ये BACB के मामलों के जानकार भी हैं, तो अगर आप विशेष जानकारी चाहते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट चाहते हैं BACB से संबंधित एडमिशन रजिस्ट्रेशन के संबंध में, तो आप सर का चैनल है NKTIAS, उसको यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको पहले सबसे पहले आपको इस तरह की सुविधा जानकारी आपको प्राप्त हो। धन्यवाद आपको। थैंक यू।